बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही? यस सर। यस सर। ठीक जी। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर? जी कोई सवाल? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। सर ये नोट्स आज सेंड कर दीजिएगा। ये इंशाल्लाह आज मैं आपको भेजूंगा। आज क्लास के बाद आई विल बी सेंडिंग इंशाल्लाह। चलें जी, फिर हम आगे चलते हैं। इफ देयर इज नो क्वेश्चन, एक दो बातें जरा हम देख लें। यूजर के लिए सबसे अहम चीज़ है फाइल। फाइल बनती है कॉलम्स से, ठीक है? और फाइल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स मिलकर रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो एक फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं और फाइल मिलकर बन जाते हैं डेटाबेस, और डेटाबेस मिलकर बन जाता है डेटा वेयरहाउस। ठीक, हमने कल पढ़ा था DBMS। ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है, इसी सॉफ्टवेयर से हम अपनी डेटाबेस भी बनाते हैं और हम अपनी एप्लीकेशन भी बनाते हैं। ठीक है, डेटाबेस का मतलब है कलेक्शन ऑफ फाइल्स, और एप्लीकेशन का मतलब है वो स्क्रीन जिनके थ्रू हम डेटा एंट्री करते हैं, रिपोर्ट्स लेते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि DBMS में बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक इंजन जिसकी मदद से हम डेटाबेस बनाते हैं, और एक डेवलपर जिसकी मदद से हम वो स्क्रीन्स बनाते हैं। फिर हमने बात की थी डेटा मॉडलिंग की, फिर हमने बात की थी कि अगर कोई सिस्टम बन रहा है तो उसमें दो चीज़ें बनेंगी, एक डेटाबेस बनेगा और एक एप्लीकेशन बनेगी। तो डेटाबेस बनाने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ठीक है, और प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामर चाहिए, और सिस्टम एनालिस्ट एक ओवरऑल इंजीनियर की तरह से सारे रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करता है। यहाँ तक किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री। सर, सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर में ये थोड़ा सा भी अगला टॉपिक जो आ रहा है वहाँ पर उनका डिटेल में जिक्र हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दोबारा दे दूँ। मैंने आपसे कहा था सिस्टम एनालिस्ट इज़ लाइक इंजीनियर। आपने बिल्डिंग बनानी है तो एक इंजीनियर चाहिए होता ना आपको, जो पूरी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करेगा। फिर प्रोग्रामर इज़ लाइक ए मेसन। मेसन का काम ये होता है कि जो डिज़ाइन के मुताबिक ब्लॉक्स लगाए। कुछ आइडिया समझ आता है? सर हो गया, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, डेटाबेस स्ट्रक्चर्स ये एक थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, इसीलिए कल हमने इसको किया नहीं, क्योंकि पीछे भी टेक्निकल चीज़ें चली आ रही थी, आगे भी बहुत टेक्निकल, हमने कहा थोड़ा ब्रेक। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर कई तरीके हैं, और अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों में बेहतरी आई है, इम्प्रूवमेंट आई है। तीन तरीके हैं, तीन स्ट्रक्चर्स हैं। एक तरीका हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है, एक रिलेशनल स्ट्रक्चर है। तो जाहिर बात आपको समझ आती है कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर था पहले, फिर हमारे पास नेटवर्क स्ट्रक्चर आया, और आजकल हम रिलेशनल स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। तो बाकी जो हैं वो तो यूज़ ही नहीं होते अब, ठीक। हायरार्किकल और नेटवर्क स्ट्रक्चर्स आर नॉट यूज्ड, सिर्फ आपके पास रिलेशनल का दौर है। सिंस 1976 वी हैव बीन वर्किंग विद दिस। अच्छा, क्या चीज़ है? अच्छा, ये रिलेशनशिप की बात कल हम कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो एंटिटीज होती हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होते हैं, फोर रिलेशनशिप्स हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, एंड मैनी टू मैनी। जैसे हमने देखा था कि
one teacher can teach many students, one customer can go to many branches, one customer can have many transactions, one customer can have many products, ठीक है ना? ये बात हम कल कर चुके हैं. हायरार्किकल स्ट्रक्चर, देखिए हायरार्की का मतलब होता है लेवल्स. हायरार्की का मतलब होता है लेवल्स. तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर में. पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर का मतलब है पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स के नीचे बहुत सारे बच्चे होंगे, ऊपर पेरेंट्स और नीचे बहुत सारे बच्चे, ठीक. इस तरीके में मसला क्या था, अब इसकी हम तस्वीर देखते हैं. इसमें रिडंडेंसी थी, डुप्लीकेशन बहुत थी और एफिशिएंसी भी कम थी और रिकॉर्ड्स को मैनेज करना भी एक मुश्किल था. लेकिन ज़ाहिर है मैंने आपसे कहा शुरू में 50s में 60s में हमारे पास यही चीज़ थी. तो इसमें जो सॉफ्टवेयर आते थे आपके पास जिन्हें HDBMS कहते थे, एडाबेस, GT.M, IMS, कैश, मल्टी डायमेंशनल हायरार्किकल टूलकिट एंड MUMS कंपाइलर, ये सॉफ्टवेयर है. अब तो खैर ये यूज़ नहीं होते, ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ नहीं होता. फर्स्ट करें हमारे पास एक पार्ट सेल्स का सिस्टम है. हमने एक सिस्टम बनाया है और हम बेचते हैं गाड़ियों के या किसी भी चीज़ के कुछ पार्ट्स बेचते हैं. अच्छा, चूँकि ये हायरार्किकल सिस्टम है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, तो इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये होता है कि एक पेरेंट के कई बच्चे होते हैं, एक पेरेंट्स के कई बच्चे हो सकते हैं. तो देखिए पहले लेवल पे मैंने स्टोर किया डेटा कस्टमर का. जी नज़र आ रहा है, कस्टमर का डेटा स्टोर किया हमने. कस्टमर का कोड है 1, उसका नाम है ABC और ज़ाहिर उसको बहुत सारा डेटा है, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, फैक्स, वो मैंने यहाँ शो नहीं किया बट आई एम श्योर पीपल अंडरस्टैंड कि वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं. और ज़ाहिर फिर कस्टमर 2 को स्टोर किया है, फिर कस्टमर 3 को एंड सो. तो एक लेवल पे हमने सारे कस्टमर्स का डेटा स्टोर कर लिया है. एवरीवन, यस सर, ठीक है. अच्छा, दूसरे लेवल पे मैंने स्टोर किया डेटा ऑर्डर्स का कि पहला ऑर्डर आया. अच्छा, अब जाहिर है कि यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर 1, 2, 3 लिखा है लेकिन ऑर्डर में बहुत सारी डिटेल्स होंगे ना, किसका ऑर्डर था. अब फॉर एग्जांपल इस ऑर्डर में क्या चीज़ें थी, किस दिन ऑर्डर आया, कितने बजे आया, कितनी क्वान्टिटी थी, तो सारी चीज़ें हैं. तो दूसरे लेवल पे स्टोर हो रहा ऑर्डर और तीसरे लेवल पे स्टोर हो रहा प्रोडक्ट्स का डेटा. तो प्रोडक्ट का डेटा P1 का मतलब है लेट्स से क्या मतलब है इसका, मतलब है कोई पिस्टन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उस पिस्टन की डिटेल्स या कोई स्क्रू है P1 उसकी सारी डिटेल्स. तो हायरार्की समझ आ रही है, पहले लेवल पे कस्टमर्स का डेटा स्टोर हो रहा है, दूसरे लेवल पे ऑर्डर्स की डिटेल स्टोर हो रही है और तीसरे लेवल पे प्रोडक्ट की डिटेल स्टोर हो रही है. जी अगर मुझे कंफर्म कर दें सब ये चीज क्लियर है. जी सर क्लियर है. यस सर क्लियर है. ग्रेट, यस सर, ठीक, गुड. तो आपके पास पहले लेवल पे कस्टमर की डिटेल्स, दूसरे लेवल पे ऑर्डर की, तीसरे लेवल पे प्रोडक्ट की. लेकिन अब देखिए इसमें रिडंडेंसी बहुत है. रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन कैसे, जब कस्टमर 1 आया और उसने मुझसे ऑर्डर 1 प्लेस किया और ऑर्डर 1 में उसने P1 प्रोडक्ट खरीदा और P2 प्रोडक्ट खरीदा, मैंने पूरी डिटेल्स डाली P1 की, पूरी डिटेल्स डाली P2 की, नो प्रॉब्लम, ठीक है. अच्छा, उसका कस्टमर 2 आया, उसने ऑर्डर प्लेस किया ऑर्डर नंबर 2. अच्छा, उसने P1 खरीदा और P3 खरीदा. अब नोट डाउन, मैंने P1 की डिटेल्स दोबारा यहाँ डाली और P3 की डिटेल्स डाली. अच्छा, फिर कस्टमर 1 दोबारा आया, उसने ऑर्डर प्लेस किया, उसका ऑर्डर नंबर 3 था और उसे P1 खरीदा, मैंने फिर P1 की पूरी डिटेल्स डाली, ठीक. तो टेक्निकली आप नोट करें प्रोडक्ट का डेटा बार बार स्टोर हो रहा है. जब भी कोई प्रोडक्ट स्टोर होनी है, अगर फॉर एग्जांपल 15 कस्टमर ने P1 ऑर्डर किया तो हर बार मैंने P1 की डिटेल्स डाली, तो यही तो रिडंडेंसी है. यस नो, डुप्लीकेशन, यस सर, ठीक. अच्छा, नोट डाउन, ये 1-to-many रिलेशनशिप पे चल रहा है, एक कस्टमर के कई ऑर्डर्स हैं, आप देख रहे हैं, एक कस्टमर के कई ऑर्डर्स हो सकते हैं और एक ऑर्डर में कई प्रोडक्ट्स हो सकती हैं. ये बात समझ आ रही? यस सर. लेकिन जब भी मैं कोई
प्रोडक्ट स्टोर करता हूँ तो मुझे उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल स्टोर करनी पड़ती है, इसकी वजह से काम भी स्लो होता है, डुप्लीकेशन भी होती है और बहुत सारे मसले होते हैं। लेकिन शुरू में कोई चॉइस नहीं थी, हमारी अकल के मुताबिक दिस वॉज द बेस्ट वन, तो हमने यही बनाया बस और इसी के साथ जी रहे थे। जी बात समझ आ गई? यस सर। तो ये रिलेशनशिप, ये जो स्ट्रक्चर था, ये बेस करता था रिलेशनशिप वन टू मैनी पे। फिर थोड़ा हमें समझ आई, अकल आई, चीजें आई, तो हमने फिर बनाया नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या था, यहाँ पर डेटा स्टोर होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी का मतलब है ऊपर भी मैनी हो सकते हैं और नीचे भी मैनी हो सकते हैं। यहाँ तो आपने देखा था कि यहाँ पर वन टू मैनी रिलेशनशिप था, एक कस्टमर के कई ऑर्डर हो सकते हैं और एक ऑर्डर में कई प्रोडक्ट हो सकती हैं। ठीक, अब नोट डाउन करें कि इसमें एरो नीचे आ रहे हैं, ऊपर कोई एरो नहीं जा रहा है। यस नो? यस सर। यस सर। ये वन टू मैनी। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में आपके पास चीजें बेहतर हो गई, रिडंडेंसी कम हो गई, एफिशिएंसी बेहतर हो गई, चीजें आसान हो गई। अब यही सिस्टम मैंने आपको दिखाया है यूजिंग नेटवर्क मॉडल। अब देखें क्या हो रहा है। पार्ट सेल्स का सिस्टम है, कस्टमर का डेटा हमने स्टोर कर दिया, उसके नीचे हमने ऑर्डर का डेटा स्टोर किया है। लेकिन नोट डाउन, हमने प्रोडक्ट का डेटा बार बार स्टोर नहीं किया, हमने एक ही बार प्रोडक्ट का डेटा स्टोर किया है। ये नजर आ रहा है फर्क? यस सर। देखिए वहां पर प्रोडक्ट का डेटा कई बार स्टोर हुआ हुआ था, यहां पर एक ही बार स्टोर हुआ हुआ। क्या समझा दूं इसमें, बताएं एग्जैक्टली सर? पावर सेल सिस्टम में सर ये कोई खास चीज होगी ना बाप, क्या शुरू से दोबारा से शुरू करूं? ये कह रहे हैं दो सर, सर ये बताया अपने पावर सेल सिस्टम को। पावर सेल सिस्टम तो मतलब क्या बताऊं मैं आपको, कहां से गड़बड़ हुई है? क्या आपने हायरार्किकल का सुना था? नहीं सुना था। यस सर। उसमें क्या हायरार्की का समझ आ गया आपको? ये हायरार्किकल में क्या होता है, क्या होता है हायरार्किकल में? जी बताएं हायरार्किकल सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है, एक कस्टमर है, उसके कई ऑर्डर हो सकते हैं, हर ऑर्डर के अंदर कई प्रोडक्ट हो सकती हैं। अब जो ये नेटवर्क में मैंने ये सिस्टम बनाया, तो नोट डाउन कि मैंने हर बार प्रोडक्ट का डेटा स्टोर नहीं किया, एक ही दफा स्टोर कर लिया है। और जिस भी ऑर्डर में जो प्रोडक्ट है उससे मैंने लिंक क्रिएट कर दिया है। फॉर एग्जांपल देखें, ऑर्डर वन में भी P1 है, ऑर्डर थ्री में भी P1 है और ऑर्डर टू में भी P1 है। तो मैंने P1 को तीन बार स्टोर नहीं किया, नोट डाउन, यहाँ तीन बार स्टोर किया था, एक दो और तीन, यहाँ एक ही बार स्टोर किया है और जिस भी ऑर्डर में बिका है उस पर लिंक क्रिएट कर दिया। P2 दो ऑर्डर में बिका है, हमने लिंक कर दिया, वहाँ P2 दो बार स्टोर किया था, यहाँ पर हमने P2 एक ही बार स्टोर किया है। जी ये बात समझ आ रही है? अब ये बन गया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। कैसे? एक ऑर्डर में कई प्रोडक्ट हो सकते हैं और एक प्रोडक्ट कई ऑर्डर में हो सकता है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। एक प्रोडक्ट कई ऑर्डर में हो सकता है, जैसे P1 तीन ऑर्डर में, 50 ऑर्डर में भी हो सकता है, 200 ऑर्डर में भी हो सकता है। वो तो ज़ाहिर है अभी ऑर्डर आते रहेंगे, कस्टमर आते रहेंगे, ये तो अभी हम शुरू की सूरत हाल देख रहे हैं। तो एक ऑर्डर में कई प्रोडक्ट हो सकते हैं और एक प्रोडक्ट कई ऑर्डर में हो सकता है। तो यूं अब आप देखें कि रिडंडेंसी आपके पास कम हो गई है, आपको हर प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार स्टोर कर लें और जब वो बिके तो उससे लिंक कर दें। जी ये बात समझ आती है? यस सर। चलें ग्रेट। अच्छा जी, लेकिन अब और आसान हो गया। पीछे आप पढ़कर आए थे ना, DBMS को एक्चुअली रिलेशनल DBMS ही था।
यहाँ पर डेटा स्टोर करते हैं हम टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म का मतलब टेबल की शक्ल में, और इससे हमारे पास एफिशिएंसी अच्छी हो गई है, रिडंडेंसी कम हो गई है। अच्छा पीछे मैं नाम आपको बताना भूल गया, जो आपके पास NDBMS सॉफ्टवेयर थे उसमें दो पॉपुलर थे, एक तो IDMS और टोटल, ये दो पॉपुलर सॉफ्टवेयर थे। अच्छा अब आपके पास जो रिलेशनल है इसमें आपके पास इनको RDBMS कहते हैं, और इसके एग्जांपल जो है फॉक्स प्रो है, एक्सेस है, ओरेकल है, इनफॉर्मिक्स है, और बहुत सारे हैं। ठीक, अब आप देखें फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, रिलेशनल के अंदर एक कंटेनर बना, और कंटेनर के अंदर आप देखें तीन टेबल है, एक कस्टमर टेबल, एक प्रोडक्ट टेबल और एक ऑर्डर टेबल। अब कस्टमर टेबल में हमने कॉलम्स बना दिए, कस्टमर आई डी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, जाहिर वो मैंने बाकी कॉलम्स नहीं बनाए। प्रोडक्ट टेबल में क्या है, प्रोडक्ट आई डी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वान्टिटी, सारी चीज़ें होंगी। एंड तीसरा टेबल ऑर्डर टेबल, इस ऑर्डर टेबल के अंदर क्या है, ऑर्डर की आई डी है, कस्टमर की आई डी है और प्रोडक्ट की आई डी है। ठीक, कहीं कोई डुप्लीकेशन नहीं है, प्रोडक्ट का सारा डेटा प्रोडक्ट में स्टोर है, कस्टमर का सारा डेटा कस्टमर में स्टोर है, और ऑर्डर के टेबल में जी शेख ओवैस आपके पास हमेशा मसला होता है भाई, अपना माइक बंद करें आप, ये मैं आपको थ्रो, शुड आई थ्रो यू आउट, अब अगर आपकी तरफ से कोई भी आवाज आई, दिस इज द लास्ट वार्निंग, यू विल बी आउट। ओके ओके सर। अच्छा जी, तो कस्टमर का सारा डेटा कस्टमर के टेबल में है, प्रोडक्ट का सारा डेटा प्रोडक्ट के टेबल में है, ऑर्डर के टेबल में आपको कस्टमर की डिटेल डालने की जरूरत ही नहीं है, आपने क्या किया, कस्टमर की आईडी डाल दी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। अब प्रोडक्ट की डिटेल डालने की जरूरत भी नहीं है, वहां प्रोडक्ट की आईडी डाल दी है। तो अब आप देखें, अगर मुझे देखना है ऑर्डर वन किसका है, तो ऑर्डर वन जो है कस्टमर आईडी C1, तो C1 कौन है जी, वो आप कस्टमर टेबल पर जाके देख लें, C1 जो है ABC है, और बाकी डिटेल्स भी आ जाएंगी उसकी। यस नो? और इसने ऑर्डर वन में खरीदा था प्रोडक्ट आईडी P1, P1 क्या है वो प्रोडक्ट टेबल में जाके देख लें। अब ये कंटेनर में है सारे टेबल और आपस में लिंक्ड अप है, ये टेबल कंटेनर में है और सारे आपस में लिंक्ड अप है और कोई रिडंडेंसी नहीं है, एक चीज एक ही बार स्टोर किया आपने। जी यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। चलो राइट, अच्छा जी अब हम एक चीज पढ़ लेते हैं, की एंड देयर यूज। अब यहाँ पर हमने कीज इस्तेमाल की हैं, टेबल्स के अंदर कॉलम्स होते हैं। अच्छा ये बताएं कस्टमर टेबल में कितने कॉलम है? सर 3 हैं। कस्टमर में 2 हैं, नहीं 2 ही हैं सर। कस्टमर टेबल में 2 हैं, 2 हैं। प्रोडक्ट टेबल में 2 हैं, 3 ऑर्डर टेबल में 3 हैं, ऑर्डर टेबल में 6 कहाँ से आ गए भाई? तीन कॉलम है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी। अच्छा सॉरी, अच्छा वो हम गलत हो गया, ठीक है सर। रो बोल, जस्ट होल्ड डाउन, हेलो जी। बस अच्छा जी, कस्टमर टेबल में कितने कॉलम है? 2 सर। 2 टेबल में सर 3 नहीं 2 ही है। 3 कहां से हो गए आप? प्रोडक्ट टेबल में 2 कॉलम, कॉलम 2 है, और ऑर्डर टेबल में कितने? 3 अच्छा यू अंडरस्टैंड, कॉलम और भी हो सकते हैं ना, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं रख सकता हूं, मेरे पास जगह कम थी, आपको समझा रहा था तो मैंने 2 2 3 3 रखे हैं। इज इट क्लियर? कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नाम, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर, सेल नंबर, मोबाइल नंबर,
उसका टैक्स नंबर, उसका शासी कार्ड नंबर, उसका पासपोर्ट नंबर, यस नो? यस सर। ठीक है। अच्छा होता क्या है, जब हम टेबल्स को लिंक करना होता है ना, तो हम कर, अच्छा हर टेबल के अंदर हम एक ऐसी की रखते हैं, एक ऐसी फील्ड रखते हैं, हर टेबल के अंदर हम एक ऐसी फील्ड रखते हैं जो दो रिकॉर्ड्स में कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी, मींस दो लोगों के लिए कभी भी सेम नहीं होगी। तो आप मुझे बता सकते हैं कस्टमर टेबल में कौन सी फील्ड ऐसी है जो कभी भी दो कस्टमर के लिए सेम नहीं होगी? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी, आपके 50 लाख कस्टमर भी हो जाए, हर एक की आईडी यूनिक होगी। इज दिस क्लियर? जी सर। यस सर। प्रोडक्ट टेबल में कौन सी है फील्ड, यूनिक फील्ड? जी कौन सी है? दो लोगों के नाम सेम हो, डेट ऑफ बर्थ सेम हो, वालदैन के नाम सेम हो, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कभी सेम नहीं होगा। वो क्यों सर? यार ये तो आपने अजीबोगरीब सवाल कर दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर का दो लोग, भाई मुमकिन है दो लोगों का नाम पते सेम हो तो कन्फ्यूजन होगी। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने आपको एक फील्ड दे दी है, एक एक कॉलम क्रिएट कर लिया है, उसका नाम है रजिस्ट्रेशन नंबर। उसका मकसद ये है कि वो कभी भी सेम नहीं होगा। शास्त्री कार्ड नंबर पाकिस्तान में किसी का भी सेम नहीं होगा, किसी भी गाड़ी का नंबर पाकिस्तान में सेम नहीं होगा, पासपोर्ट नंबर सेम नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। पहचानने के लिए हमने एक अलग आईडी दे दी है। ठीक है जी सर। ठीक, तो ये एक ऐसा कॉलम जो कि हर फाइल में यूनिक होता है, मतलब हर रिकॉर्ड में यूनिक होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की, ये की फील्ड, प्राइमरी की या की फील्ड। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी इज अ प्राइमरी की और की फील्ड। ठीक है, की फील्ड कह लेता हूँ उसे। ज़्यादा हर कॉलम को हम फील्ड कहते हैं ना, पीछे हम देख चुके हैं हर कॉलम को हम कहते हैं फील्ड। तो वो फील्ड जो कि यूनिक होती है हर रिकॉर्ड में, उसे की फील्ड कह रहे हैं या प्राइमरी की कह रहे हैं? इज दिस क्लियर? यस सर। प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी इज द की फील्ड या प्राइमरी की? एवरीवन? यस सर। यस सर। आईसीएमए के सिस्टम में की फील्ड कौन सी है? रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, आप जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने गए हैं तो वहाँ आपका नाम पता बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, तो वहाँ पर की फील्ड क्या होगी? ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सर। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए गए हैं तो वहाँ की फील्ड क्या होगी? नंबर प्लेट। नंबर प्लेट, लाइसेंस प्लेट। ठीक है, गुड, ये बात समझ आ गई? यस सर। जी सर। ओके जी, तो ये कहलाती है आपके पास की फील्ड। अच्छा अब एक बात बताएं, आप अपने मुल्क में क्या है? पाकिस्तान। अच्छा, और दूसरे मुल्क में क्या होते हैं आप? नॉन सिटीजन। वहाँ इंसान नहीं होते? नहीं नहीं, इंसान तो सर होते ही हैं, मींस दैट हम वहाँ पे पाकिस्तानी होते हैं ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉरेनर होते हैं वहाँ पे। दूसरे मुल्क में आप फॉरेनर होते हैं, ठीक है? Yes. तो अपने मुल्क में आप क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं, मेन होते हैं। अपने मुल्क में आप क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं, आपकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। और दूसरे मुल्क में आप क्या होते हैं? फॉरेनर होते हैं। बात समझ आती है? जी सर। Yes, sir. तो अब ये देखें, हर टेबल में एक प्राइमरी की है, ठीक है? हर टेबल में एक प्राइमरी की है। वो प्राइमरी की, अपने मुल्क में आप प्राइमरी हैं, दूसरे मुल्क में आप फॉरेनर हैं। यस सर। अपने मुल्क में आप प्राइमरी हैं, दूसरे मुल्क में आप फॉरेनर हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक टेबल की जो प्राइमरी की है, अगर वो दूसरे टेबल में चली जाती है
यूज होती है तो वहाँ वो फॉरेन की कहलाएगी, वहाँ वो क्या कहलाएगी? फॉरेन की, फॉरेन की। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आई डी जो है अपने टेबल के अंदर क्या है? प्राइमरी की है, प्राइमरी। लेकिन ये यूज हो रही है ऑर्डर टेबल के अंदर भी, तो वहाँ क्या है ये? फॉरेन, फॉरेन की। वहां पर ये क्या है? फॉरेन की। इसी तरह से प्रोडक्ट आईडी जो है ये अपने टेबल में क्या है? प्राइमरी, प्राइमरी की है। लेकिन ऑर्डर टेबल में क्या है ये? फॉरेन की, फॉरेन की। तो ये कीज हमने इसीलिए रखी है कि टेबल्स को ज्वाइन किया जा सके। कल हम पढ़ रहे थे टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं ऑर्डर टेबल को ज्वाइन करना चाहूँ कस्टमर टेबल से तो मैं कर सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि कस्टमर टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो ऑर्डर टेबल में फॉरेन की है, तो मैं इसको लिंक कर सकता हूँ। जब मैं इसको लिंक करूँगा तो यहाँ जो कस्टमर सी वन लिखा है इसकी जगह क्या आ जाएगा? ए बी सी। यस नो? यस सर। सारा डेटा आ जाएगा उसका। तो कल जो हम पढ़ रहे थे ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग भी अब आपको नजर आ रही है कि हम डेटा को, हम टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं टेम्पररी भी और परमानेंटली भी। ठीक है एवरीवन? यस सर। बस नीचे आके पढ़ लेते हैं। देखिए जी, टेबल्स और फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, ऑल दीज फील्ड्स कंटेन डेटा व्हिच यूजर एक्सेसेस। सम फील्ड्स हैव स्पेशल यूजेस एंड रिकॉग्नाइज विद अदर नेम्स एज़ वेल, क्योंकि कुछ और नाम भी होते हैं। ठीक है, प्राइमरी की या की फील्ड, इट इज अ फील्ड विच इज यूनिक इन एवरी रिकॉर्ड, कभी भी दो लोगों के लिए सेम नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, इसी की बेसिस पे हम इंडेक्सिंग भी करते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्ड्स को अरेंज करना। अगर मैं अरेंज करूंगा तो इसी बेसिस पे अरेंज करूंगा, रोल नंबर वाइज, गाड़ी नंबर वाइज, पासपोर्ट नंबर वाइज, शनाख्ती कार्ड नंबर वाइज। यस नो? यस यस सर। अच्छा, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे जहन में आई। ये बताएं कि व्हाट्सएप में प्राइमरी की क्या है, ये की फील्ड क्या है? मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। हर बंदे के लिए एक अलग नंबर चाहिए। यस नो? उन्होंने इसको बनाया हुआ प्राइमरी की। खैर, अच्छा बात अब क्या होता है आमतौर से, तो देखें अभी पुरानी बात थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जिस जमाने में हम प्राइमरी कीज नहीं बनाते थे, की फील्ड नहीं बनाते थे, तो मसला होता था सर्चिंग में। तो फिर हम दो तीन चीज़ों को मिलाकर यूनिक बना लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास शास्त्री कार्ड नंबर नहीं है। अब करोड़ों लोगों का रिकॉर्ड है, मैं कैसे सर्च करूँगा? तो मैंने कहा मैं सर्च करूँगा इन्हें सर्च करूंगा। एक मिनट यार, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आवाज़ आ रही? हेलो जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर, आ रही है। अच्छा जी, तो अब अगर हम प्राइमरी की नहीं बनाते ना, तो फिर मैं आपको अगर शनाख्ती कार्ड, 2 करोड़ लोगों का शनाख्ती कार्ड पड़े, तो कैसे सर्च करूँगा, कैसे पहचानूंगा आप?
फिर मैं दो तीन चीजें मिला के पहचानूंगा कि आपका नाम, आपके अब्बाजान का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ. मोस्ट प्रोबेबली तीनों चीजें दो बंदों के लिए सेम नहीं होंगी. यस नो, ये बात समझ आती है? यस सर. ठीक है ना, तो पहले हम प्राइमरी की बनाते थे, उसके तो दो तीन फील्ड्स को मिला के बना लेते थे. अब हम समझदार हो गए, अब हम डायरेक्टली जो है एक बस एक रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इस तरह की कोई चीज़ ले लेते हैं. तो अब हमारे पास जो की फील्ड होती है उसमें एक ही चीज़ होती है, की फील्ड होती है उसमें एक ही फील्ड होती है. पहले जब हम की फील्ड्स बनाते थे या प्राइमरी की बनाते थे तो उसके अंदर दो तीन चीज़ें मिला के बना लेते थे. जी, यहाँ कोई सवाल है किसी? नो सर. चलें, ग्रेट. अच्छा, फॉरेन की मैंने आपको बता दिया, अपने मुल्क में आप प्राइमरी हैं, दूसरे मुल्क में फॉरेनर हैं. तो फॉरेन की यही है कि जो एक टेबल की प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में अगर हम यूज़ करेंगे तो वो फॉरेन की है, और बेसिकली उसका पर्पस लिंकिंग ही है. जी, समझ आती बात? यस सर. और ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, दीज कीज आर यूज्ड टू लिंक अप द टेबल्स टेम्पररीली और परमानेंटली. जी एवरीवन. यस सर. नाइस. आगे हैं जी. ये क्या हो रहा है, लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, नेट मेरा ख्याल इशू कर रहा है. डेटाबेस ट्रेंड्स आजकल क्या हो रहा है? आजकल तीन चार चीजें बड़ी कॉमन हैं डेटाबेसेस के हवाले से. एक तो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट. जो बड़े बड़े इदारे हैं उनके पास करोड़ों करोड़ों तो खैर कम है, दे हैव बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, अरबों रिकॉर्ड्स हैं. तो हो सकता है कि वो अपना पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स एक जगह पे ना रखें. हो सकता है कि उनके पास 10 मिलियन रिकॉर्ड हैं, 10 बिलियन रिकॉर्ड्स हैं. तो 10 बिलियन में से उन्होंने 5 बिलियन एक जगह पर रखे हुए, 5 बिलियन एक जगह पर रखे हुए. तो ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस. क्या बन गया ये? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. समझ आ गई बात? यस सर. लेकिन ICA में भी ये कर सकता है कि ICA में एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बना ले, या हर शहर का अलग अलग बना ले. अगर हर शहर का अलग अलग होगा तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. एवरीवन? यस सर. यस सर. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस, ये जरा रिलेटिवली नया आइडिया है, रिलेटिवली नया आइडिया है. मतलब कोई इतना मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नया आइडिया है, खासे अरसे से है हमारे पास. ठीक है, जितनी चीज़ें हैं ना, आजकल हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की. ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज़. फॉर एग्जांपल, आजकल हम देखें डेटाबेस में टेक्स्ट नहीं रख रहे सिर्फ, डेटाबेस में हम पिक्चर्स भी रख रहे हैं, हम वीडियोस भी रख रहे हैं, हम ऑडियो भी रख रहे हैं. फॉर एग्जांपल, सब ने तजुर्बा किया होगा, सबको एक्सपीरियंस होगा, आप इस सेलफोन कंपनी को कॉल करें तो बंदा जो आपसे बातचीत करता है, आपने कोई कंप्लेन लिखवाई तो कंप्लेन लिख भी लेता है, और एक मैसेज भी आता है कि आपकी ये गुफ्तगु रिकॉर्ड हो रही है. यस नो? यस सर. तो इसका मतलब ये जो एक डेटाबेस है, इसके अंदर आपकी तस्वीर भी पड़ी हुई है, इसमें आपकी ऑडियो भी पड़ी हुई है, इसमें आपकी हो सकता है आप वहाँ जाएं मिलें तो वीडियो भी बना के डाल दें वो. तो ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर ऑडियो भी है, टेक्स्ट भी है, ग्राफिक भी है, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस. जी, बात समझ आती है सर? ये रिपीट कर दीजिएगा भाई. एक ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर ऑडियो भी रखे हैं, क्योंकि आमतौर से डेटाबेसेस में टेक्स्ट होता है. अब देखिए, ICA ने भी क्या किया, पहले आपके पास डेटाबेस में सिर्फ टेक्स्ट होता था, अब आपकी पिक्चर भी रखी हुई है उन्होंने, आपके एडमिट कार्ड पे छपी भी आती है. ऐसा ही है? यस नो? यस सर. तो इसका मतलब वो भी अब जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की तरफ जा रहे हैं. अब जरूरत पड़ेगी तो वो आपकी आवाज़ भी उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे डेटाबेसेस जिसमें आप ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स सब रख सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस कहलाते हैं. बात समझ आई जी? यस सर. यस सर.
अच्छा हाइपर मीडिया डेटाबेस समझने से पहले आपने हाइपर लिंक पढ़ा है, सबको हाइपर लिंक का पता है ना, वेबसाइट पे एक ब्लू सा लिंक होता है उसका क्लिक करते हैं तो आप दूसरी जगह चले जाते हैं। जी समझ आती है बात? यस सर। ये आपके पास हाइपर लिंक कहलाता है। अच्छा यही चीज़ अब डेटाबेस के अंदर भी आ गई है। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें वेबसाइट पर भी ऑडियो भी पढ़ा हुआ है, वीडियो भी पढ़ा हुआ है, ग्राफिक्स भी पढ़ी है, टेक्स्ट भी पढ़ा हुआ है। यस अब जिस चीज़ को क्लिक करते हैं वो सामने आ जाती है। ठीक, तो यानी जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस के अंदर आपके पास ऑडियो वीडियो टेक्स्ट ग्राफिक्स पढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी इसी तरह से पढ़ा हुआ है। लेकिन एक फ़ायदा ये है कि आप जिस भी चीज़ को क्लिक करेंगे एक जगह से आप दूसरी जगह चले जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब वहाँ पर पढ़ा हुआ एक हाइपर मीडिया डेटाबेस, जिसका मतलब है कि वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं डेटाबेस के अंदर आपस में हाइपर लिंक हुई हुई हैं। ये कह लें आप टेक्स्ट ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स जो है वो हाइपर लिंक हुई हुई हैं, कनेक्ट हुई हुई हैं और हम किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आप क्लिक करें वो चीज़ आ जाएगी। सर एट ए टाइम हम डिफरेंट को कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टास्क कर सकते हैं? नहीं, डिफरेंट टास्क की बात नहीं है। आप किसी वेबसाइट पे गई हैं, फॉर एग्जांपल आप बीबीसी की वेबसाइट पे चले जाएं, सीएनएन की वेबसाइट पे चले जाएं, तो वहाँ टेक्स्ट पढ़ा हुआ? यस सर। खबरें पढ़ी हुई है ना, वहाँ पर पिक्चर्स भी पढ़ी हुई हैं। यस सर। वहाँ पर बहुत सारी उनकी वीडियोस भी पढ़ी हुई हैं। यस। बहुत सारी ऑडियोज भी पढ़ी हुई हैं। आप जो चाहे क्लिक करें वो आपके पास आ जाएगी। तो इसका मतलब पीछे जितनी भी चीजें वहाँ पर पड़ी हुई आपको नजर आ रही है वो पीछे पड़ी हुई है उसके अंदर, हाइपर मीडिया डेटाबेस के अंदर। ओके ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। चले ग्रेट, आगे चलो जी। यस सर। अच्छा अब आप देखिए इस डेटाबेस के या डेटाबेस अप्रोच के या इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फायदे क्या हैं। पहला फायदा ईज ऑफ सेटिंग अप। ये जो आपके पास डीबीएमएस है आजकल, जैसे एक्सेस है, पॉपुलर है, ओरेकल है, इसमें डेटाबेस बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसके अंदर इंजन भी दिया हुआ है और डेवलपर भी दिया हुआ है। और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि इंजन की मदद से हम डेटाबेस बना सकते हैं और डेवलपर की मदद से हम वो सिस्टम बना सकते हैं, वो स्क्रीन्स बना सकते हैं, वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक, तो यानी लिटरली अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल आदमी हैं तो एक छोटा मोटा सिस्टम बनाना चंद घंटों की बात है, चंद घंटों की बात है। आप इस डीबीएमएस को यूज़ करें और इसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, आपका डेटाबेस बन जाएगा। इसके अंदर रिकॉर्ड्स डालने के लिए खूबसूरत सी एंट्री स्क्रीन्स, रिपोर्ट स्क्रीन्स आप बना सकते हैं। तो ये मतलब है ईज ऑफ सेटिंग अप। Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अच्छा दूसरा है DBMS supports the process of prototyping. अच्छा लफ्ज़ क्या लिखा, prototyping. Prototyping अभी जो हमारा next topic जो भी आज इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम system development, उसके अंदर prototyping खासी detail से आएगा। ठीक है, तो हम prototyping वहाँ जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद कर लें कि DBMS से प्रोटोटाइपिंग करना आसान होता है। प्रोटोटाइपिंग होती क्या है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है जी? यस सर। अच्छा जी, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। अच्छा लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब अगर आपके कभी डेटाबेस में कोई गड़बड़ हो जाए, आपके प्रोग्राम में कोई गड़बड़ हो जाए, नो प्रॉब्लम। यू नो व्हाई? इसलिए कि जैसे मैंने देखा है कि इसके अंदर डेटाबेस इंजन है, डेवलपर है, तो उसकी मदद से किसी भी चीज़ जो ख़राब हो जाए उसे सही करना आसान है, सही करना आसान है, सही करने में टाइम कम लगता है। तो इसका मतलब है टाइम कम लगता का मतलब है कि आपके पास मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। जी बात समझ आती है? यस सर। राइट,
अच्छा तीसरी चीज है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। याद करें पीछे हम बात कर रहे थे कल कि आप बड़ी आसानी से क्वेरीज कर सकते हैं कि वो लोग दिखा दो जो पिछले 10 साल से हमारे इदारे में काम कर रहे हैं, वो लोग दिखा दो जो 10 साल से काम कर रहे हैं और मैनेजर की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास हर DBMS में एक आसान सी लैंग्वेज होती है, दैट्स कॉल्ड SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बहुत आसान सी, उसको सीख सकता है कोई भी। सीखने में कोई भी स्मार्ट आदमी हो तो मेरे ख्याल एक आध घंटे के अंदर अच्छी खासी सीख लेगा वो, ठीक। तो SQL आपके पास, इसकी वजह से क्वेरी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगला फीचर है स्टैंडर्डाइज इंटरफेस फॉर डेटा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अच्छा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो आपको पता है क्या होता है। इम्पोर्ट का मतलब है कि आप चीज़ों को लाएं और एक्सपोर्ट का मतलब है चीज़ों को भेज दें। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये जो स्मार्ट आदमी है जिल्ले अब्बास, आपने अपना नाम चेंज किया हुआ है। सर ये मैं नहीं था, ये आप यकीन कर ले, मैं तो यहाँ पे हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, तो जिले है ना एक दूसरे जिले अब्बास जिसने नाम रखा हुआ ना, ये मुजरिम आदमी है और ये मेरे ख्याल भाग गया अभी। द मोमेंट आई पॉइंटेड आउट ही लेफ्ट। सर जी मैं नहीं था इस दफा। अरे भाई आपसे मैंने कहा, आपसे कहा मैंने कोई आशिक है ये आपको, मैं कह रहा हूँ यार मैं आपसे क्यों कहूंगा, मुझे आप, मैं आपने मेरा पैसे देने हैं जो मैं आपको हर चीज में रगड़ूंगा। अजीब सी बात है, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं पॉइंट मुझे मुझे पॉइंट आउट किया और मुझे भाग गया फौरन ही लेफ्ट। और सर ये क्यों बोल रहे हैं अंदर, ये मुजरिम का दोस्त होगा मेरा ख्याल है। सर मैं यार उसको जानता भी नहीं, मुझे भी डाउट हो गया। तो भाई नहीं जानते तो मत बोलो ना यार, कोई बोल रहा है, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग। एक बंदा था उसने गड़बड़ की, आई जस्ट पॉइंटेड हिम आउट एंड द मोमेंट ही वाज पॉइंटेड आउट ही लेफ्ट। यस सर, बस खसकम जहां पाक, मुजरिम लेफ्ट। यस सर मुजरिम चला गया, ठीक है। लेकिन मुजरिम का दोस्त बाकी है अभी। सर मैं वो क्यों हो गया सर, चले। तो इंपोर्ट का मतलब लाना और एक्सपोर्ट का मतलब ले जाना, राइट। तो अब देखिए डेटा लाना ले जाना बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सेल में डेटा है, पुराना डेटा पड़ा होता है एक्सेल में। अब आपने एक नया सिस्टम बना लिया एक्सेस के अंदर या आपने नया सिस्टम बना लिया ओरेकल के अंदर, कोई मसला नहीं है। ओरेकल के अंदर बड़ा मजे का एक प्रोसेस दिया हुआ है, एक स्टेप दिया हुआ है। उस प्रोसेस की मदद से, उस स्टेप की मदद से आप एक्सेल से डेटा इम्पोर्ट कर लें ओरेकल के अंदर, तो आपके सिस्टम में सारा का सारा डेटा आसानी से इंपोर्ट हो गया। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास ओरेकल में सिस्टम बना हुआ है, आपने कहा जी इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूं एक्सेल के अंदर, किसी को देना है वैसे ही, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब उसके अंदर एक फीचर दिया हुआ है, हर DBMS के अंदर एक फीचर दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है। उस ऑप्शन के थ्रू आप डेटा इम्पोर्ट भी कर सकते हैं और डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपको कोई बहुत टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है जी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस पॉइंट? Yes sir. Right. चलो अच्छा फिर इसके अंदर आप देखिए हर DBMS के अंदर आपके पास सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी है। डेटा की सिक्योरिटी आजकल बहुत ही अहम इशू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक्सेस सिक्योरिटी का फीचर दिया है। एक्सेस सिक्योरिटी का मतलब है कि जो फॉर एग्जांपल डेटाबेस है मेरी कंपनी का, मेरे बैंक का, मेरी एयरलाइन का, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता ऐसे। क्यों? सब लोगों को मैंने लॉग ऑन IDs और पासवर्ड्स दिए हैं, तो जिन लोगों के पास ये लॉग ऑन ID है, जिन लोगों के पास ये पासवर्ड है, सिर्फ वो ही आ सकते हैं। और प्लस लॉग ऑन ID और पासवर्ड दिए हुए, फिर मैंने उनको रिस्ट्रिक्ट भी किया हुआ है, किसी को मैंने फुल एक्सेस दिया हुआ है, किसी को लिमिटेड एक्सेस दिया हुआ है। जी बात समझ आती है? यस सर। यस सर। जबरदस्त। अच्छा फिर बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। हर DBMS के अंदर आपके पास एक बैकअप होता रहता है ऑटोमेटिकली, जिसका फ़ायदा है कि खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई डेटा बर्बाद हो जाए, तो हमारे पास बैकअप मौजूद होगा, उससे हम उसको यूज़ कर
कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डिजास्टर की हम बात करेंगे, हमारा जो आखिरी टॉपिक होगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट ही होगा। लेकिन फिलहाल बैकअप का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट कागज होता है तो उसके आप 2-3-4 कॉपियाँ करा के रख लेते हैं ना, ताकि कोई इशू हो उसे यूज कर लें। जी बात समझ आती है? यस सर। राइट, अब एक बड़ा मजे का फीचर है TTS, हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास एक TTS होता है, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग सिस्टम ये होता है, अच्छा हम पढ़ चुके हैं ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी होगी वो ट्रैक होगी, कोई भी एक्टिविटी होगी वो ट्रैक हो जाएगी। ये हो ही नहीं सकता कि कोई एक्टिविटी बगैर ट्रैकिंग के चली जाए। मैंने यहाँ पर एक अच्छी मिसाल दी जो मैं आपको दिखाता भी हूँ, अभी पहले मैं बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका सेल फोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म, और किसी भी लम्हे बंद हो सकता है सेल फोन, और एक कॉल आई और सेल फोन की बैटरी में इतनी भी जान नहीं थी कि बेल बजती, कॉल आते ही सेल फोन ऑफ हो गया। अब जब आपने सेल फोन को ऑन किया, चार्ज किया, तो क्या लिखा हुआ आ रहा था उस पर, क्या लिखा हुआ है सेल फोन पे? लो बैटरी का ऑप्शन आ रहा है। ओहो, जब आपने चार्ज करके ऑन किया तो क्या ऑप्शन, क्या लिखा हुआ होगा स्क्रीन पे? वन मिस कॉल का ऑप्शन था। ठीक है ना, आ रहा होगा। अच्छा आप देखेंगे तो वो आपको बताएगा किस नंबर से कॉल आई, किस दिन कॉल आई, किस तारीख को कॉल आई। यस नो? यस सर। वो तो यानी सर रिकॉर्ड रिकॉर्ड देगा पिछला। हाँ हाँ, तो रिकॉर्ड तो वो डेटाबेस में जा रहा है ना, रिकॉर्ड पीछे डेटाबेस बन रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कि सेल फोन मरते मरते भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करके गया है। कभी ऐसा नहीं होगा कि उसने नंबर रिकॉर्ड कर लिया और डेट टाइम रिकॉर्ड नहीं किया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब भी रिकॉर्ड करेगा पूरा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यस सर। यही कहलाती है, यही है TTS, ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग सिस्टम। मैं अब आपको बता रहा हूँ एक 10,000 रुपये का सेल फोन के अंदर ये फीचर है। तो अब आप सोचें, आपके पास लाखों रुपए के DBMS हैं, करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर हैं, उसके अंदर TTS होता है। आप कोई काम कर रहे हैं, बिजली चली गई, हार्ड डिस्क क्रैश कर गई, फिर भी आप देखें जो वो ट्रांजैक्शन कर रहा था ना उसको पूरा करेगा या पूरा ही अनडू कर देगा। ये कन्फ्यूजन नहीं छोड़ेगा कि आधा ट्रांजैक्शन हो गया था और आधा नहीं हुआ। ये बात समझ आ रही जी? जी सर। Everyone? Yes, sir. अच्छा जी, फिर हाई लेवल ऑफ डेटा इंटेग्रिटी। अच्छा, हाई लेवल ऑफ डेटा इंटेग्रिटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए मैं अगर आपको पीछे लेके जाता हूँ, देखें ये तीन टेबल्स हैं, ये तीन टेबल्स पड़े हुए हैं डेटाबेस कंटेनर के अंदर। ठीक है जी, एवरीवन विद मी? यस सर। जी सर। मैं यहां से जाता हूं और मैं ये कस्टमर टेबल से C2 उड़ा देता हूं। ये रिकॉर्ड मैंने उड़ा दिया, ये रिकॉर्ड मैंने उड़ा दिया। अब आप मुझे बताएं कि सिस्टम को मुझे ये रिकॉर्ड उड़ाने देना चाहिए या नहीं? मैंने उड़ा दिया अभी, सिस्टम को मुझे उड़ाने देना चाहिए या नहीं? नो सर। नो सर। क्यों? व्हाई नो? अरे सर, रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। हाँ हाँ, हो गया ना गायब, वो छोड़ें। सिस्टम को रिकॉर्ड मुझे क्यों नहीं उड़ाने देना चाहिए बताएं? ताकि सर वो सेव रहे और जब भी हम चाहे हम चेक कर सके। नहीं, मेरी मेरी मर्जी, मैं चाह रहा हूँ कि रिकॉर्ड, बस मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने उड़ाना है। लेकिन सिस्टम मुझे उड़ाने दे रिकॉर्ड या ना दे, ये बताएं। दे तो क्यों रिकॉर्ड उड़ाने दे, और ना उड़ाने दे तो क्यों ना उड़ाने दे? सर
जोर से बोले हैं इससे मतलब ऑर्डर टेबल में इसकी इंफॉर्मेशन है इसलिए जी जबरदस्त देखे ना ऑर्डर टेबल में C2 पड़ा हुआ है यस नो ये भी पड़ा हुआ है ये भी पड़ा हुआ है अगर मैंने कस्टमर टेबल से C2 उड़ा दिया तो ऑर्डर टेबल में C2 लिखा हुआ है कंफ्यूजन हो जाएंगे ना ये कौन है ये बात समझ आ रही है यस सर अब सिस्टम क्या करेगा सिस्टम नहीं उड़ाने देगा जब तक यहाँ C2 पड़ा हुआ है मुझे नहीं उड़ाने देगा वो ये कहेगा कि ऑर्डर टेबल में भी इसके रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं ठीक है तो अगर आप यहाँ से उड़ाएंगे तो ऑर्डर टेबल में गड़बड़ हो जाएगी ये बात समझ आ रही जी यस सर इसी को टेक्निकल जुबान में कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी वो नीचे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ हाई लेवल ऑफ डेटा इंटीग्रिटी ठीक है ना डेटाबेस कंटेनर के अंदर चीजें हैं तो वो उड़ाने से पहले चेक करेगा कि इसको उड़ाते हुए बाकियों पे क्या फर्क पड़ेगा इसको उड़ाना मुनासिब है या ना मुनासिब है तो यूजर अगर गलती करेगा भी तो गड़बड़ नहीं होगी जी एवरीवन यस जी सर यस सर ओके फिर हम देख चुके हैं डेटाबेसेस का एडवांटेज ये होता है कि देयर इज नो रिडंडेंसी देयर इज नो डुप्लीकेशन ठीक है ना अभी मैंने आपको दिखाया कस्टमर का डेटा एक ही जगह पर स्टोर है प्रोडक्ट का डेटा एक ही जगह पर स्टोर है बार बार स्टोर करने की जरूरत नहीं है अच्छा इसके अलावा मल्टीपल यूजर्स ये मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ एक बार डेटाबेस बन गया तो उससे हम बहुत सारे काम और भी ले सकते हैं जिसके लिए शायद हमने नहीं बनाया था मैंने आपको नेटवर्क की एग्जाम्पल दी थी कि नेटवर्क डेटाबेस आपने बनाया था शासी कार्ड के लिए और बहुत सारे कामों के लिए लेकिन फिर से आप ज़रूरत पड़ी तो जलजले में भी इस्तेमाल किया टू चेक कौन लोग जिंदा हैं कौन मुर्दा है फिर आपने इसको एहसास प्रोग्राम में भी इस्तेमाल कर लिया फिर आपने इसको कोविड में भी यूज़ कर सकते हैं गैरी एक बार डेटाबेस बन जाए तो उसके 50 यूजेस आप कर सकते हैं बात समझ आ रही है यस सर जी सर अच्छा इसके अलावा डेटाबेस में जब भी चीज़ रखी जाती है तो वो डेटाबेस जब बनाते हैं तो पूरे इदारे का देख के बनाते हैं किसी एक डिपार्टमेंट को देख के नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब है पूरे इदारे के अंदर जब जो भी हम चीज़ बनाएंगे देख कर तो उसके अंदर रिलेशनशिप ऑलरेडी डिफाइन हो जाएंगे यस नो जब मैं पूरे इदारे की रिक्वायरमेंट्स को देख के चीज़ एक जगह रखूँगा तो उसके अंदर लिंक्स क्रिएट करना आसान होगा यस नो यस अच्छा इसमें अपडेट करना भी आसान है एक जगह अपडेट कर दें सब जगहों पर अपडेट हो जाएगा आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा शनाख्ती कार्ड के सिस्टम में अगर आपका एड्रेस अपडेट हो जाए तो पासपोर्ट में भी अपडेट हो जाएगा हर जगह पर अपडेट हो जाएगा ये बात समझ आती है जी यस नो अच्छा जी अच्छा इंडिपेंडेंट ऑफ यूजर प्रोग्राम तो ये मैं आपको पीछे दिखा भी चुका हूँ दोबारा दिखा देता हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ यूजर प्रोग्राम का मतलब ये है कि ये आपका DBMS ये आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है ये डेटाबेस कंटेनर है इसके ऊपर DBMS सॉफ्टवेयर चल रहा है अब आपने कोई भी एप्लीकेशन बना लें इस DBMS के थ्रू आप इस कंटेनर से कनेक्ट हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे के सारे प्रोग्राम ओरेकल में हो एक्सेस में हो जिसमें मर्जी हो आपने एक डेटाबेस कंटेनर के अंदर टेबल्स बना लिए और अब DBMS के थ्रू आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी एप्लीकेशन बनाकर इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं जी ये पॉइंट समझ आता है यस सर जी एवरीवन जी यस नो लोग जिंदा हैं यस सर यस सर हम जिंदा हैं जी सर अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोगों का जिंदा होना अच्छा होता है और चंद लोगों का जिंदा होना बहुत ही अच्छा होता है अच्छा जी
इंडिपेंडेंट ऑफ द यूजर प्रोग्राम, टेबल पे डेटाबेस जो बना हुआ है उस पर किसी भी प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट होकर काम कर सकते हैं। अच्छा मदर की बात, ऑफ द शेल्फ अवेलेबल, ये जितने DBMS हैं और एक एक्सेस मार्केट में मिले पड़े में जाएं खरीदें और उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी एवरीवन। जी सर। यस सर। यस सर। चलें, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अच्छा अभी कोई एतराज कर सकता है, पीछे तो मैं ये कहकर आया हूँ। एक मिनट यार, कॉल आ रही है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। सर फोन चाहिए। तो पीछे वाले भी आपको बताया था कि एडवांटेज सिक्योरिटी का एडवांटेज है कि लॉग ऑन आईडीज हैं, पासवर्ड्स हैं। यस नो? यस सर। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि एक बड़ी हैसल हो गई है ना, सब हजारों यूजर हैं, सबके लॉग ऑन आईडीज बनाना, सबके सिक्योरिटी सेट करना, तो ये एक मुश्किल और लंबा काम है। बात समझ आती है जी? यस सर। सिक्योरिटी तो है लेकिन उसको मैनेज करना भी तो एक काम है, सबको सेट करना। और दूसरी बात, अगर मैंने सिक्योरिटी को सेट नहीं किया, मैं एक्सपीरियंस आदमी नहीं हूँ, मैंने सेट नहीं किया, तो फिर सिस्टम के अंदर पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। किसी को कम एक्सेस देना था उसको ज़्यादा हो जाएगा, जिसको ज़्यादा देना था उसका कम हो जाएगा, यू नो। तो ये सारे के सारे मसले अपनी जगह पर हैं। जी बात समझ आती है? यस सर। अच्छा अब एक और ड्रॉबैक ये है कि अब डेटाबेस कंटेनर में सारा डेटा पड़ा हुआ है ना, ये एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। अगर इसके अंदर कोई इनएक्यूरेसी है, फॉर एग्जांपल एक जगह ICMA में आपका एड्रेस गलत पड़ा हुआ है, तो एग्ज़ाम के पास भी गलत एड्रेस जाएगा, एजुकेशन के पास भी गलत जाएगा, ट्रेनिंग वालों के पास, प्लेसमेंट वालों के पास, हर एक के पास गलत एड्रेस जा रहा होगा। यस ना? जी। अच्छा इसी से मिलता जुलता एक और भी ड्रॉबैक, चूंकि एक सेट ऑफ डेटा है, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया ना तो सभी कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक जगह पर डेटा पड़ा, अगर एक जगह से डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरा इदारा को सफर करना पड़ेगा। जी बात समझ आती है? यस सर। अच्छा जी। यस सर। ये जब हम पीछे पढ़ रहे थे कि आपके पास अगर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है और उसमें हजारों या लाखों यूजर कनेक्ट हो रहे हैं, तो मसला होगा उसको एक्सेस करने का, क्योंकि डेटाबेस में बहुत लोड पड़ जाएगा और उस लोड की वजह से एक्सेसिंग में इशू आएंगे, कुछ लोग एक्सेस कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों का एक्सेस स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए आजकल हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसिस पे जा रहे हैं। जी बात समझ आती है जी? जी सर। चलो जी ग्रेट, इट वाज वन ऑफ द वेरी टेक्निकल टॉपिक्स, ठीक है। लेकिन इसका फायदा ये कि अब हमारा अगला टॉपिक आसान हो गया। अगला टॉपिक है हमारा, अभी देखते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट का टॉपिक है वो हम आसानी से कर लेंगे, बिकॉज की बहुत सारी बातें यहाँ पर हो गई हैं। और वो टॉपिक है सर ब्रेक ले लें। ना यार ब्रेक ना ले यार, ब्रेक ना नहीं सर, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे ना।
ब्रेक हो गई भाइयों, ब्रेक हो गई, कोई बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा। मुर्शिद इज बैक। ये कौन था वैसे? Yes,
मेरा खून
वैसे छुट्टी हो गई, घर जाओ तुम। क्लास ओवर हो गई है क्या? क्लास ओवर हो गई, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा है, एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा यार, इतनी जल्दी क्लास ओवर होगी कैसे? सर ने कल भी जल्दी कर दी थी यार, मीटिंग ओवर नहीं हुई है तो मौके का फायदा उठा रहा है।